PCS इन शॉर्ट्स के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा काजी। तो आज हम बात करेंगे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 की। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि यह हालिया खबर में क्यों है। दरअसल हाल ही में नीति आयोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी की है और इस इंडेक्स में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक ने शीर्ष स्थान पर करार रखा है। अब बात यहाँ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की हो रही है तो इससे संबंधित प्रमुख बिंदुओं को देख लेते हैं। ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट का तीसरा संस्करण है और इस सूचकांक का नवीनतम ढांचा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO द्वारा सालाना प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज पर विकसित किया गया है। इसमें अब संकेतकों की संख्या 36 से बढ़कर 66 हो गई है, जो कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में 36 थी। इनोवेशन इंडेक्स को तीन श्रेणियों में बांटा गया है, प्रमुख राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और पहाड़ी एवं उत्तर पूर्व के राज्य। तो इसकी प्रमुख राज्य श्रेणी पर बात करें तो इसमें कर्नाटक 18.05 के स्कोर के साथ लगातार तीसरे साल शीर्ष पर रहा और उसके बाद तेलंगाना तथा हरियाणा का स्थान रहा। वहीं बिहार, ओडिशा और छत्तीसगढ़ ने सूचकांक में सबसे कम स्कोर किया है। इसके अलावा इसमें छत्तीसगढ़ को 10.97 अंक के साथ अंतिम स्थान मिला है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश या छोटे राज्य की श्रेणी की बात करें तो इसमें चंडीगढ़ 27.88 अंक के साथ शीर्ष प्रदर्शन करने वाला प्रदेश रहा। इसके बाद दिल्ली, अंडमान और निकोबार का स्थान है, जबकि लद्दाख अंतिम यानी 9वें स्थान पर रहा। वहीं पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्य श्रेणी में मणिपुर सबसे आगे है, जिसके बाद उत्तराखंड और मेघालय का स्थान है। नागालैंड अंतिम यानी 10वें स्थान पर रहा। चलिए अब नजर डाल देते हैं कि आखिर ये इनोवेशन इंडेक्स है क्या। तो ये इंडेक्स देश के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के मूल्यांकन और विकास के लिए एक व्यापक उपकरण है। ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित करने के लिए उनके नवाचार प्रदर्शन पर रैंक प्रदान करती है। इसे नीति आयोग और प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान द्वारा तैयार किया जाता है। ये सूचकांक 7 प्रमुख स्तंभ तथा 16 उपस्तंभों पर आधारित है। ये प्रमुख स्तंभ हैं मानव पूंजी, निवेश, ज्ञान कार्यकर्ता, कारोबारी माहौल, सुरक्षा, कानूनी वातावरण, ज्ञान उत्पादन और ज्ञान प्रसार। चलिए अब इस सब के बाद नजर डाल लेते हैं नीति आयोग पर। तो इसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी संक्षिप्त में नीति है। इसे 1 जनवरी 2015 को स्थापित किया गया था और इसकी स्थापना सहकारी संघवाद की भावना को प्रतिध्वनित करते हुए अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार की परिकल्पना को बढ़ावा देने के लिए की गई है। इसके दो हब हैं, टीम इंडिया हब जो राज्यों और केंद्र के बीच इंटरफेस का काम करता है और ज्ञान और नवोन्मेष हब जो नीति आयोग के थिंक टैंक की भांति कार्य करता है। इसका अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होता है, जबकि उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त व्यक्ति होता है। चलिए अब इसके कार्यों पर नजर डाल लेते हैं। तो इसके कार्यों में शामिल है सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को आर्थिक रणनीति और नीति में शामिल करना, शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों को प्रोत्साहित करना, ज्ञान नवाचार और उद्यमशीलता सहायता प्रणाली की स्थापना करना और अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु मंच प्रदान करना। नीति आयोग के अन्य महत्वपूर्ण पहलों की बात करें तो उनमें शामिल है SDG इंडिया इंडेक्स, अटल इनोवेशन मिशन, स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, स्वास्थ्य सूचकांक और सुशासन सूचकांक आदि। चलिए अब आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ए योजना आयोग, बी गृह मंत्रालय, सी नीति आयोग या फिर डी वित्त आयोग। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।